हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ वापस आ गई हूँ। आज की रेसिपी है स्टफ परवल, यानी कि भरवा परवल। ये बहुत ही कॉमन सी साइड डिश है, लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। तो आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे बनाया है, बहुत ही क्विक बन जाती है। बहुत ज़्यादा इसे बनाने में टाइम टेकिंग काम नहीं है। ये मोस्टली जैसे कोई भी स्टफ वाली सब्जियां होती है जिसमें बहुत ही टाइम लगता है, बट ये बहुत ही लेस टाइम में बनने वाली और बहुत ही टेस्टी डिश है। तो आज हम इसे बनाने वाले हैं, भरवा परवल। तो आपको दिख रहा है जैसा कि कितना अच्छा दिख रहा है। आप इसे पराठे, नान या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप इसे ले जा सकते हो। बहुत ही लॉन्ग चलता है ये, मतलब ट्रैवल पर्पज से बहुत अच्छा। और आप इसे बना के 2-3 दिन तक तो खा ही सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आप इसे फ्रिज में रख दे तो ये अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होती है। और तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भरवा परवल। तो हमें उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो परवल चाहिए। परवल लेते समय बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम परवल थोड़े लंबे लंबे वाले रखेंगे, बस छोटे परवल नहीं लेंगे। और आपको दिख रहा है मैं उसे नाइफ से किस तरीके से स्क्रैप कर रही हूँ। आपको इसको पील नहीं करना है कम्प्लीटली। इसका जो आउटर लेयर है, स्किन है, बस हम उसे रिमूव करेंगे। पूरा स्किन इसका रिमूव नहीं करना है। इस तरीके से हम सारे परवल को साफ कर लेंगे। इसका आउटर जो लेयर है हम बस उसे रिमूव करना है। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो इट्स ओके। हम इसके साइड्स में जो होते हैं उसे पहले कट करके रिमूव कर देंगे, हमें वो नहीं चाहिए। और मैं अब उसे आपको काट के दिखाती हूँ कि हमें इसे काटना कैसे है। तो हम परवल को लेंगे और उसके बीच से स्लिट लगाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ ये परवल। तो इस तरीके से हमने सारे परवल साफ करके रख लिया। हमें इसका साइड, दोनों साइड्स रिमूव करने हैं। तो मैंने करीब 250 के करीब ये परवल लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको बनाना हो उतना रख सकते हैं। तो नाइफ लेते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका स्किन थोड़ा हार्ड होता है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसे स्लिट लगाएंगे। तो इस तरीके से बीच से बस स्लिट लगाना है, पूरा हमें इसे नहीं काटना है, बस थोड़ा सा काटना है। और हमें उसे इस तरीके से खोल देंगे बहुत ही आसानी से, फिर ये खुल जाता है। और नाइफ की हेल्प से या स्पून के बैक साइड से, मैं स्पून के बैक साइड से उसके अंदर के सीड को रिमूव कर देती हूँ। उसमें जितना भी बीज होता है हम वो निकाल लेंगे। और इस बीज को हमें फेंकना नहीं है, तो कुछ इस तरीके से उसे बीज से हम स्पून की हेल्प से उसका सारा बीज या सीड जो भी है उसे रिमूव कर लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल आता है, आप अपने हाथों की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार वो नाखून में घुस जाते हैं उसके बीच, तो वो पेनफुल होता है। इसलिए हम नाइफ या स्पून की ही हेल्प से उसे निकालेंगे। तो इस तरीके से हम उसके सारे बीज को निकाल करके रिमूव करके साइड में रख लेंगे। हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, हमें आगे उसका यूज करना है। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि हमें उसे किस तरीके से काटना है। बीच से एक स्लिट लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस यहाँ पे। इस तरीके से हम उसका बीज निकाल लेंगे। और ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, आप एक बार बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। अपने गेस्ट को भी आप खिला सकते हो। तो हम इस तरीके से सारे परवल को रेडी कर लेंगे। उसके साथ हमें ये स्पाइसेस चाहिए। 1 चम्मच पूरा, 1 फुल स्पून मैंने यहाँ पे होल जीरा ले लिया है, 2-4 मैंने लौंग ले ली है, 1 छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले ली है, और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। और ये परवल का जो बीज हमने निकाल के रखा हुआ था वो है। तो अब हमें करना क्या है, हम इन सारी चीज़ों को एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो इसका एक हमें स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। बीज है तो वो भी अच्छे से पिस जाएगा, और जितने होल स्पाइसेस है वो भी बहुत अच्छे से आपस में पिस जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये ड्राई तो पिसेगा नहीं, तो हम बहुत थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जैसा बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, आप जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जिंजर नहीं है इस वक्त, इसलिए मैं जिंजर स्किप कर रही हूँ। तो आप जिंजर भी ऐड कर देना इसी टाइम पे। और हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, बहुत लेस तीखी है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दी है। अगर आपकी मिर्ची तीखी हो तो आप 2 ही मिर्च यूज़ करें। तो मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका स्मूथ सा हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। मैंने स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया। अब एक अनियन को हमें बहुत फाइन चॉप करना है। आप चाहो तो हाथ से कर लो, और नहीं तो आपके पास इस तरह का मैनुअल चॉपर हो तो आप उससे भी
बारीक बारीक चॉप कर सकते हो। तो मैंने दो मीडियम साइज के अनियंस को लिया है, बहुत बड़े बड़े अनियन नहीं थे। उन दो अनियन को इस चॉपर में डाल करके अच्छे से फाइन चॉप कर लेंगे। तो इसका पेस्ट नहीं बनाना है, ध्यान रखना यही है कि हमें इसका पेस्ट नहीं तैयार करना है, हमें इसका फाइन चॉपिंग तैयार करना है, चॉप कर लेना है। आप नाइफ से भी बारीक चॉप कर सकते हैं तो कर ले। तो कुछ इस तरीके से हमने अनियंस को भी चॉप करके रख लिया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और ये मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल को जब हम जला लेंगे, उससे अच्छा सा स्मोक आने लग जाए, उस स्टेज पे हमने जो अनियन चॉप करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डाल करके और एकदम लो हीट पे हम इसे कुक करेंगे। जब तक कुक करेंगे, जब तक हमारा अनियन कम्प्लीटली सॉफ्ट ना हो जाए, हमें सॉफ्ट अनियन चाहिए यहाँ पे। जब वो ट्रांसलूसेंट सा होने लग जाए, तब तक हमें उसे फ्राई करना है। तो हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए हमारा अनियन कुछ इस तरीके का जब कलर चेंज हो जाए, तब तक हम उसे फ्राई कर लेंगे। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ है, हम वो भी ऐड कर लेंगे। तो हमने अनियन बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो गया, और जो पेस्ट था इस स्टेज पे हम वो पेस्ट ऐड कर लेंगे और अच्छे से एक मिक्स दे देंगे पहले तो हम। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने गैस का फ्लेम इस टाइम पे भी अभी लो रखा हुआ है, अभी बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें मसालों को कुक नहीं करना है, वरना वो जल जाएंगे और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। आप अगर हरी मिर्च नहीं यूज कर रहे तो वाली मिर्च भी यूज कर सकते हैं, हॉट चिली। इससे मैंने 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है। धनिया पाउडर थोड़ा इसमें ज्यादा जाता है, क्योंकि ये स्टफिंग हमें बनाना है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी होती है, इसलिए हम धनिया का पाउडर यूज कर रहे हैं थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में। और थोड़ी थोड़ा सा ही हल्दी ऐड करेंगे और नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। इन सारे मसालों को हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि मसाले बिल्कुल ड्राई हो रहे। तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से गैस का फ्लेम लो रखते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले, किसी भी चीज़ का अच्छे से फ्राई जब तक नहीं होगा, आपके खाने का टेस्ट नहीं आता है। तो मसाले फ्राई करते हुए थोड़ा पेशेंस रखें और मसालों को खूब अच्छे से फ्राई करें। जितना अच्छा आपका मसाला फ्राई होगा, आपकी सब्जी या डिश उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए हमारे पैन पे मसाला चिपकने लग गया, डेट्स मीन हमारा जो है मसाला वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। मैं उसे अच्छे से साइड्स को रिमूव करते हुए मसालों को इकट्ठे कर रही हूँ। ये देखो दोस्तों, हमने ऑयल बहुत थोड़ा सा डाला था, इसलिए ये ऑयल ऊपर नहीं आएगा। तो ये हमारा मसाला हो गया कम्प्लीटली रेडी। अब मैं इसमें आधी चम्मच अमचून पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो आप इसमें खटाई ऐड करना थोड़ा सा कर दे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी आम का सीजन चल रहा है, कच्ची कैरी भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसे पेस्ट बना के डाल दे, या फिर अनियन के साथ बारीक चॉप करके डाल दे तो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास वो नहीं है तो हम अमचून ऐड करेंगे, क्योंकि मोस्टली हमारे पास मैंगोज होते नहीं है। हमारा जो मसाला है ये अच्छे से ठंडा हो गया, फिर हमें परवल में इस तरीके से उसे फिल करना है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें फिल नहीं करना है, क्योंकि परवल जो है थोड़ा श्रिंक भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हम मसाला उसमें डाल देंगे तो वो निकल के बाहर आ जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जितना उसमें थोड़ा सा बस उसके उसकी जो कैविटी है उसमें थोड़ी अच्छे से फिल हो जाए, इतना ही डालना है। ओवर नहीं डालना है कि हमें ऊपर तक पूरा टाइट भर दें, ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो बहुत ज़्यादा मसाला लगता है और वो उतना मज़ा नहीं आता। तो मैं आपको खोल के बता दूँ मैंने किस तरीके से मसाला उसमें डाला है। तो बस इस तरीके से हम सारे परवल में ये मसाले को स्टफ कर लेंगे। तो है ना, ये बहुत ही इजी बनाना, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और ये बनने में बन के खाने में भी बहुत टेस्टी बन जाता है ये। तो हमने सारे परवल को इस तरीके से स्टफ करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे सैलो फ्राई करना है, आप चाहे तो तवे पे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको कढ़ाई में करके बता रही हूँ। अगेन हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, और इतना लिया है कि वो तले में मस्टर्ड ऑयल थोड़ा हो जाए, इतना ही डाला है। बहुत ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि सारा ऑयल जो है परवल बाद में रिमूव कर देगा, तो आपका ऑयल ये बच जाता है। तो ऐसा ये नहीं है कि आपका इतना सारा आपने ऑयल डाल दिया तो ये सारा का सारा ऑयल आपके परवल, मतलब इतना हम इसमें कंज्यूम कर लेंगे। तो हमने सारा का सारा प्लेस कर देना है इस तरीके से। आप चाहे तो इसे फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं।
मैंने जैसा कि आपको बताया उस पे भी बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन कढ़ाई में भी बहुत अच्छे से बनता है। अब हम इसे ढक्कन डाल करके मीडियम फ्लेम पे उसे अलटते पलटते हुए हमें चारों साइड से पकाना है। और थोड़े बहुत मसाले जब ये बाहर निकल के आते हैं ना, तो उसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप बिल्कुल वरी ना हो कि थोड़ा मसाला बाहर आ जाएगा या ऐसा कुछ होगा। हम एक स्पून की हेल्प से इस तरीके से परवल को पलटते जाएंगे, जैसा मैं आपको करके बता रही हूँ। आपसे अगर नहीं हो रहा तो आप दो दो स्पून की हेल्प से भी ऐसा कर सकते हैं। और आपको दिख रहा है कितनी अच्छी ब्राउनिंग हुई है, बहुत अच्छा ये सिकता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। गैस का फ्लेम हाई नहीं है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही है। इसे धीरे धीरे सिकने दें और इसके चारों साइड जब इस तरीके का कलर आ जाएगा तो हमारा परवल कम्प्लीटली रेडी है। तो ये देखो दोस्तों, मेरा परवल जो है अब बन करके हो गया तैयार। मैंने इसके चारों साइड से बहुत अच्छे से सेक दिया है। आपको दिख रहा है हमने थोड़ा थोड़ा ही मसाला भरा था, वो भी बाहर आ रहा है। अगर आप ज्यादा भर दोगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा बाहर आएगा और पूरे आपके पैन में चिपक जाएगा और आपकी पूरी कढ़ाई या जिस बर्तन में भी बना रहे हो पूरा जल जाएगा। इससे टेस्ट जो है उसका थोड़ा सा स्पॉइल्ड हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डाले और अच्छे से उसे चारों साइड से सेक ले। और ये जो मसाला थोड़ा बहुत निकलता है ना, ये बहुत ही टेस्टी निकलता है। तो हमारा परवल हो गया तैयार, मैं उसे अब डिस आउट कर लेती हूँ। तो ये है ना कितना अमेजिंग, टेस्टी दिखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। तो आप एक बार बनाना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये इसका कलर देखो दोस्तों कितना खूबसूरत आया है और कितना फटाफट भी बन गया। ये एक साइड डिश भी है। बहुत मजा आता है ऐसे बना के खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं बार बार ये आपसे रिपीटेड कर रही हूँ। बट आप एक बार इसे मस्ट ट्राई है, एक बार ट्राई जरूर देना। तो ये मेरा परवल बन करके हो गया तैयार और पैन में वो सारा ऑयल बच जाता है। अभी आपको मैं बता दूँ तो बिल्कुल वरी ना करे। और ये बहुत ही कम तेल में बनने वाली, वो देखो दोस्तों पैन में हमारा ऑयल बच गया। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाना। तो मेरा परवल बन करके तैयार हो गया, मैंने इसे डिस आउट भी कर लिया। ऐसे पराठे, नान, रोटी किसी भी चीज़ के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।